और उसके बाद पाकिस्तान का जो खास दोस्त चाइना है, वो जिस इस टाइम पर आकर के जिसको कि उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, वो हेल्प करने की बजाय चाइना भी उनसे अपने पुराने लोन वापस मांग रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हमें देखने को मिला है। अक्सर पाकिस्तान आईएमएफ के सामने अपने हाथ फैला रहा होता है और आईएमएफ उनके इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को जनरली मना कर रहा होता है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ को चेतावनी दे दी है कि हमने आपके आपने जो भी कहा हमने आपकी सब बातों को माना है, कुल मिला के आपने जैसे भी हमें नचाया हमने वैसे ही वहाँ पर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग हमें कर्ज़ा नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर हैं जिन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के द्वारा बेसिकली एक चेतावनी भेज दी है आईएमएफ को कि हमें आप लोन दे दीजिए, बिकॉज हमारी जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आईएमएफ मेड अस डांस टू इट्स ट्यून बट हैजंट रिलीज लोन, ये वाला स्टेटमेंट पाकिस्तान के ही एक मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। दोस्तों इसी पर्टिकुलर मौके पर हम लोग समझेंगे इस कहानी को और साथ ही में ये भी जानेंगे कि एग्जैक्टली जो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक हालात हैं, वो किस तरीके से बने हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूं। पिछले साल 3 अक्टूबर 2021 की यह खबर आपके सामने है। ये वो समय था जब पाकिस्तान की बेसिकली कंट्री कोविड-19 की पैंडेमिक से उभर कर बाहर आ रही थी। उस टाइम पर पाकिस्तान आईएमएफ के दरवाजे पर गया और इन्होंने $6 बिलियन की मांग रखी थी, लेकिन इमीडिएटली उस टाइम पर एक बार के लिए आईएमएफ को पाकिस्तान ने ये वाला $6 बिलियन का जो पैकेज था ये देने से इनकार कर दिया था। बातचीत चलती रही, बातचीत चलते चलते इनका एटलीस्ट इतना हो गया कि हाँ आईएमएफ ने बात करने के लिए ये लोग मान गए कि ठीक है हम लोग आपसे बात कर लेते हैं, क्या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको हम लोग समझ लेते हैं। एक बार के लिए आईएमएफ ने कहा कि चलो ठीक है हम लोग इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ते हैं, और आईएमएफ ने कहा कि सबसे पहले हम लोग आपके लिए $1 बिलियन का जो अमाउंट है उसको रिलीज करेंगे, जिसको कि हम लोग इमीडिएटली डिसबर्स करने वाले हैं। लेकिन दो हफ्ते के जस्ट बाद 17 अक्टूबर 2021 को ये वाली खबर सामने आती है, कंगाल पाकिस्तान को अब आईएमएफ ने दिया बड़ा झटका, नहीं दिया $1 अरब का लोन। तो यहां पर आईएमएफ पीछे हट गया कि जी नहीं हम लोग आपको लोन नहीं दे सकते हैं, बिकॉज जो भी कंडीशंस हम लोग देखना चाहते हैं आपकी अर्थव्यवस्था में या फिर आपके ऊपर लगाना चाहते हैं हमें नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग आपको यहाँ पर लोन नहीं दे सकते हैं। इसके बाद कहानी बढ़ते बढ़ाते एक महीना निकल गया और नवंबर 22 2021 की ये वाली खबर है। फाइनली इनके आपस में एक अग्रीमेंट हो जाता है जिसमें कि आईएमएफ बोलता है चलिए ठीक है आपकी हम रिक्वेस्ट को मान लेते हैं, $6 बिलियन का जो लोन है वो आपको यहाँ पर दे देंगे। लेकिन रिमेंबर, याद रखिए आईएमएफ दोस्तों जब भी पैसा देता है वो हमेशा साथ में कई सारी शर्तें, कई सारे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस साथ में लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ ने कहा कि आप अपने बिजली के दामों को बढ़ाइए, आपने जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडीज दे रखी हैं उनको कम करिए, जो आपने पेट्रोल डीजल के ऊपर दाम कम कर रखे हैं उनको जो है वहाँ पर जा करके बढ़ाइए। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने कहा कि जो भी आप अनेकों पॉपुलिस्ट मेजर्स ले रहे हैं उन सभी मेजर्स को आपको यहाँ पे कम करना होगा। पाकिस्तान ने इनकी ये वाली शर्तें मानी और आईएमएफ ने यहाँ पे पैसा एक बार के लिए दे दिया। अब क्या हुआ कि वही वाले पैसे का जो नेक्स्ट ट्रांच था, क्योंकि ऑलरेडी $1 बिलियन आ चुका है, अब जो अगला ट्रांच था वो आने वाला था $1.2 बिलियन का, लेकिन अब आईएमएफ फिर से एक बार सतर्क हो गया, आईएमएफ फिर से एक बार डिले कर रहा था। इस चीज से परेशान होकर, हताश होकर पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर राना सनाउल्ला, इन्होंने बेसिकली कहा दैट दी आईएमएफ हैड नॉट रिलीज दी ट्रांश फॉर द $6 बिलियन बेलआउट पैकेज अंडर इट्स एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इवन दो इट हैड मेड द कंट्री डांस टू इट्स ट्यून। यानी कि मतलब बड़ा साफ था कि इवन दो आईएमएफ के कहने पर हमने वो सब किया जो कि आईएमएफ को यहाँ पे डिमांड थी, जैसे आईएमएफ ने हमें नचाया हम लोगों ने वैसे ही किया, लेकिन फिर भी आईएमएफ हमारी बातों को नहीं मान रहा है। बल्कि इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि जो भी शर्तें आईएमएफ के द्वारा यहाँ पे लगाई गई थी हम उन शर्तों के फेवर में नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने वो शर्तों को माना। और इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ की चिंता भी जताई कि पाकिस्तान करंटली एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन के थ्रू गुजर रहा है। दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप कोई भी
कोई भी सेक्टर, कोई भी चीज़ उठा करके देख लीजिए, पाकिस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। आज से 2 हफ्ते पहले की बात है, 2.5 हफ्ते पहले की बात है, पाकिस्तान में जो नए पेट्रोल के दाम हैं वो पहुंच चुके हैं 233 रुपए पे, और जो डीजल के दाम हैं पहुंच चुके हैं 263 रुपए पे, केरोसिन ऑयल के दाम पहुंच चुके हैं 211 रुपए पे। वहां पर जो कंज्यूमर गैस का प्राइस है उसमें 335% की हमें बढ़त देखने को मिल रही है। अगर बात करें पाकिस्तान का जो रिजर्व बैंक है, जिसको कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, उसके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो मिलियन से नहीं बल्कि बिलियन से घटते जा रहे हैं। कहने का मतलब इनके पास, अगर कल को ये चीजों का इंपोर्ट भी करते हैं तो उसका पैसा चुकाने के लिए इनके पास, इनके अकाउंट में पैसा नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान का जो खास दोस्त चाइना है, वो जिस इस टाइम पर आकर के, जिसको कि उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, वो हेल्प करने की बजाय चाइना भी उनसे अपने पुराने लोन वापस मांग रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत आज की डेट में कितनी ख़राब हो चुकी है। इसी के चलते कई सारे एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक संकट है वो उसको श्रीलंका के रास्ते लेके जा रही है। श्रीलंका के बाद दिवालिया होने के कगार पर पाकिस्तान पहुँच चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी बहुत ही जल्द यहाँ पे बैंक्रप्सी फाइल कर सकता है। और बल्कि अगर आप देखें, पाकिस्तान की हालात इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि IMF, चाइना और UAE और अन्य कई सारे देशों से पैसा लेने के बाद भी पाकिस्तान यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि वो 5.5 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपीस को बोरो कर सके फ्रॉम दी इंटरनेशनल लेंडर्स इन द करंट फिस्कल ईयर, तभी जाकर के वो अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन कर सकेगा, प्रीवियस लोन्स को उतार सकेगा और अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकेगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद एक आशा की किरण जो कि पाकिस्तान के सामने यहां पर आई है वो ये है, और ये आज सुबह की ही बात है, 14 जुलाई की ये वाली खबर आपके सामने है कि IMF और पाकिस्तान की जो बातचीत है वो रिजॉल्व हो चुकी है। पाकिस्तान रीचेज अग्रीमेंट विद IMF टू रिज्यूम द लोन। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, अ माइलस्टोन दैट वुड पेव द वे फॉर द रिलीज ऑफ एन एडिशनल $1.2 billion इन लोन्स एंड अनलॉक मोर फंडिंग। IMF प्रोग्राम की वजह से कहा जा रहा है, दिस शुड एलिविएट द फियर्स ऑफ ए नियर टर्म डिफॉल्ट सिनेरियो एंड अनलॉक फंडिंग फ्रॉम अदर मल्टीलेटरल लेंडर्स। तो अगर IMF यहाँ पे मान जाता है तो उम्मीद ये भी है कि शायद बाकी लेंडर्स भी पाकिस्तान को यहाँ पर पैसा दे सकें। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे डर है कि पाकिस्तान की भी हालात श्रीलंका वाले हो सकते हैं, वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग घर बैठकर अपनी UPSC तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इनकी मदद से आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो जो खर्चा आपको आएगा दैट इज ओनली 30,000 रुपीज पर एनम, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। और इस पे मेरे द्वारा भी आपको ज्योग्राफी के कई सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।